ठीक है, तो व्हेनेवर आई से करंट, दैट मींस इट इज ईदर द करंट एसेट्स और द करंट लायबिलिटी. इन बोथ रिगार्ड्स यू विल हैव टू सी द नंबर ऑफ आइटम्स व्हिच आर गिवन इन द एडजस्टमेंट्स. ठीक है, मतलब जो भी आपको आइटम दिया है या तो वो करंट लायबिलिटी होना चाहिए या तो वो करंट एसेट होना चाहिए, तो ही उसका इफेक्ट दिखाएंगे, अदरवाइज उसका इफेक्ट नहीं दिखाएंगे. क्यों? देखो, ये देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. मशीनरी स्टॉक डेटर्स को मत देखो, पहले सिर्फ गुडविल को देखो. गुडविल टू शेयर कैपिटल, तो मुझे बताओ गुडविल करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है या दोनों में से कुछ भी नहीं है? गुडविल क्या है? करंट एसेट. करंट एसेट. यस शिवानी, सोच समझ के आंसर दे, घर पे आके मारूंगी तुझे मैं. निधि, निधि क्या लिखा है आपने? करंट एसेट है. गुडविल करंट एसेट होती है? गुडविल करंट एसेट होती है? फिर से सोचो और आंसर दो. सौरभ ने आंसर दिया, सौरभ ने आंसर दिया इनटेंजिबल. तो क्या? नहीं मैम, फिक्स एसेट. फिक्स एसेट होती है, फिक्स एसेट्स. हां तो ये 11th स्टैंडर्ड से एसेट में ही आता है ना. यस. अरे इनटेंजिबल के लिए पीछे पूरा लिखो ना, फिक्स्ड एसेट क्या इनटेंजिबल. यस हां तो सुनो, वेरी गुड, सौरभ ने एटलीस्ट आंसर दिया और बाकियों ने भी बोला पीछे से इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट. मेरी बात सुनो, आप ये 11th स्टैंडर्ड से सीखते आए हो क्या करंट एसेट है और क्या फिक्स्ड एसेट है, और अभी आप टीवाई के लेवल पे गलत आंसर्स दे रहे हो. प्लीज ध्यान दो, गुडविल मेरा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, शेयर कैपिटल मेरी करंट एसेट नहीं होती है ना करंट लायबिलिटी होती है, ये प्रोप्राइटर फंड्स होते हैं. ठीक है, अब देखो गुडविल और शेयर कैपिटल को ही देखो, क्या ये करंट है? गुडविल करंट है हाँ या नहीं? जल्दी बोलो. नहीं नहीं नहीं. शेयर कैपिटल करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है? हाँ या नहीं? करंट है क्या? नहीं नहीं नहीं. मतलब करंट नहीं है, मतलब नॉन करंट है. अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. नॉन करंट, नॉन करंट, नो इफेक्ट. नॉन करंट, नॉन करंट, नो करंट. ठीक है, ऐसे याद रखो आप. ठीक है, नॉन करंट, नॉन करंट, नो करंट. ठीक है ना? अब देखो, अब इस यहाँ से भी शॉक नहीं लगता, वहां से भी शॉक नहीं लगेगा, तो कहीं से भी शॉक नहीं लग रहा है ना. दो ही स्विच है मेरे घर पे, है ना. तो गुडविल भी नॉन करंट है, शेयर कैपिटल भी नॉन करंट है, तो नो इफेक्ट, नो करंट. ठीक है, इफेक्ट ही नहीं दिखाएंगे, मतलब ये 20,000 का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि कैश का कुछ लेन देन ही नहीं है ना, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है. ये लॉजिक है इसका. ठीक है, मतलब ये 20,000 का पूरे कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं दिखाया जाएगा गुडविल से रिलेटेड. क्यों? क्योंकि गुडविल भी नॉन करंट है, शेयर कैपिटल भी नॉन करंट है. ठीक है, इतना सबको समझ के आगे बढ़े, आगे बढ़े. यस मैम. ठीक है, मशीनरी, मशीनरी नॉन करंट है कि करंट है? नॉन करंट. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, मतलब नॉन करंट है. तो शेयर क्या, आप एंट्री कैसे करिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल. मशीनरी और शेयर कैपिटल को देखो, जब मैंने मशीनरी खरीदी तो वो नॉन करंट होती है, शेयर कैपिटल भी नॉन करंट है, तो नॉन करंट, नॉन करंट, नो इफेक्ट, नो करंट. वेरी गुड, नो इफेक्ट. ठीक है, नॉन करंट, नॉन करंट, नो, मतलब हम मशीनरी का 1,00,000 रुपीज का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे. हाँ, मशीनरी की कोई और एडजस्टमेंट है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मशीनरी का जो 1,00,000 रुपीज है जिसके बदले मैंने शेयर्स दिए, उसका इफेक्ट नहीं दिखाएंगे. क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि दोनों ही नॉन करंट है, कैश का कुछ है ही नहीं. हाँ, इसमें कैश का कुछ है ही नहीं. हाँ, अब आ जाओ स्टॉक पे. स्टॉक टू शेयर कैपिटल, एक एक आइटम को देख रहे हैं. पहले देखा गुडविल टू शेयर कैपिटल, फिर देखा मशीनरी टू शेयर कैपिटल, अब देख रहे हैं स्टॉक टू शेयर कैपिटल. अब देखो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है? 50,000 टू शेयर कैपिटल, 50,000. ठीक है, एक एक आइटम को देख रहे हैं ना. तो स्टॉक बताओ, स्टॉक मेरा करंट है कि नॉन करंट है? करंट है. हाँ, ये करंट एसेट है. वेरी गुड, ये तो करंट एसेट है. ध्यान से सुनना, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कैश, कैश का लेन देन होता है. स्टॉक बेचोगे तो कैश आएगी ना,
देखो मच्छर हम उतनी जल्दी नहीं बेचते हैं गुडविल, अभी अभी तो खरीदा है, बेचेंगे कैसे, ठीक है। लेकिन स्टॉक तो मुझे हर रोज खरीदना है बेचना है खरीदना है बेचना है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक करंट एसेट होता है। करंट मतलब शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म, आज खरीदा कल ही बेच सकते हैं फिक्स्ड एसेट को। लेकिन करंट एसेट मतलब आज खरीदा तो कल बेचने की उम्मीद रखेंगे हम, तभी तो बिजनेस चलेगा। अगर सालों सालों स्टॉक को दबा के रखेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। वी विल ट्राई, हम लोग कल के दिन पे ही बेच दें, ठीक है। तो स्टॉक मैंने खरीदा, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल, यानी कि स्टॉक मेरा करंट है, शेयर कैपिटल नॉन करंट है। अब एक करंट है एक दूसरा नॉन करंट है, तो अब इफेक्ट आएगा। हाँ अब तो करंट लगेगा, एक स्विच में करंट है और एक स्विच में करंट नहीं है, तो क्या करंट लगने के चांसेस हैं? हाँ है, क्योंकि एक स्विच में तो करंट है ना। बात समझ आ रही है, थोड़ा फनी वे में बता रही हूँ, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगी बात। यस मैम। हाँ तो करंट तो है, देखो करंट तो लगना है। ओके तो करंट किस चीज से लगेगा, जहाँ स्विच, जिस स्विच में करंट होगा वहीं से तो करंट आएगा। कौन से स्विच में करंट है बताओ मुझे, स्टॉक में कि शेयर कैपिटल वाले में? स्टॉक। हाँ मतलब स्टॉक का 50,000 का इफेक्ट आएगा, स्टॉक का 50,000 का इफेक्ट आएगा। इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर लेती हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं। हाँ हो रहा, चलो बढ़िया, ठीक है। अभी स्टॉक का इफेक्ट आएगा। अब आ जाओ डेटर्स पे, डेटर्स टू शेयर कैपिटल, बताओ डेटर्स करंट एसेट होती है? यस यस मैम, डेटर्स करंट एसेट होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल करंट एसेट होती है, करंट लायबिलिटी होती है, कुछ होता है क्या करंट? नहीं नहीं नहीं। डेटर्स करंट है? यस। शेयर कैपिटल करंट है? नहीं, नॉन करंट है। नहीं, कौन सा करंट है? डेटर्स। तो करंट में से इफेक्ट आएगा, करंट आएगा। करंट नॉन करंट, करंट करंट आएगा, लेकिन नॉन करंट नॉन करंट, नो करंट नो करंट, ठीक है। हाँ तो आएगा इफेक्ट, आएगा करंट आएगा। किस में से करंट आएगा, डेटर्स में से कि शेयर कैपिटल के स्विच में से? यस डेटर्स। तो डेटर्स वाला जो अमाउंट है उसका इफेक्ट आएगा कैश फ्लो के स्टेटमेंट के अंदर, मतलब पूरे 2 लाख में से। अब बड़े ध्यान से सुनो, पूरे 2 लाख में से, 2 लाख की शेयर कैपिटल में से 50,000 का इफेक्ट आएगा, 30,000 का इफेक्ट आएगा, मतलब कुल मिलाकर टोटल 80,000 का इफेक्ट आएगा। यस दिव्या वेरी गुड, 80,000 का इफेक्ट आएगा 2 लाख में से। ये देखो ये 2 लाख का अमाउंट है ना, इसमें से 80,000 का इफेक्ट कैश फ्लो में आएगा और 120,000 का इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात सबको समझ आ गई? यस ठीक है। आपको चाहिए तो आपके लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये है आपका नॉन करंट, एनसी मतलब नॉन करंट, ठीक है। ये भी नॉन करंट है, ये क्या है? करंट। सी मतलब करंट, और ये भी करंट है। ये भी करंट है, और ये क्या है? नॉन करंट। तो जो करंट है उसके इफेक्ट्स आएंगे, और मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब इफेक्ट्स आएंगे तो सही, फिर कैसे आएंगे, चलो वो भी देख ही लेते हैं। जैसे अभी स्टॉक पे आ जाओ, स्टॉक वाली पॉइंट पे आ जाओ, किस किस का इफेक्ट आएगा। चलो ये अभी क्योंकि ये जर्नल एंट्री शुरू ही है तो उसको खत्म भी कर देते हैं। गुडविल का तो इफेक्ट आएगा नहीं, छोड़ दो। मशीनरी का इफेक्ट आएगा नहीं, छोड़ दो। स्टॉक का इफेक्ट आएगा तो आ जाओ स्टॉक पे। डेटर्स का इफेक्ट आएगा तो डेटर्स भी कर लेते हैं। शेयर कैपिटल का 2 लाख का इफेक्ट नहीं आएगा, ध्यान से सुनो बड़े ध्यान से, क्योंकि वो नॉन करंट है। शेयर कैपिटल 2 लाख नॉन करंट है। तो जब हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे ना, तो 2 लाख का इफेक्ट नहीं आएगा,
जब हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो 2 लाख का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि शेयर कैपिटल नॉन करंट है, सिंपल लॉजिक ये है। अच्छा आप आ जाओ स्टॉक पे, स्टॉक पे आ जाओ, स्टॉक पे मुझे बताओ स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है। 20,000 हाँ बताओ स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है। 20,000 वेरी गुड। अब देखो इधर स्टॉक के लिए मुझे ये पिक ओपन करना पड़ेगा, बोलो स्टॉक कितना दिख रहा है। 20,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 80,000, मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज वेरी गुड। तो हम ना ओरिजिनली क्या हो रहा है वो लिखेंगे। ओरिजिनली मैंने बैलेंस शीट में स्टॉक को बढ़ते हुए देखा कि कम होते हुए देखा, वो ही लिखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि 50,000 का खरीदा कि बेचा। ओरिजिनली स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बोलो। 80,000 यस। तो मतलब आंसर क्या आएगा, दोनों में से माइनस करके हम डिफरेंस निकालते हैं, याद है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 60,000। हाँ, तो ये आपका आएगा 60,000 इंक्रीज इन स्टॉक। ये मैं सेम कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, इंक्रीज इन स्टॉक। क्यों इंक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि हो तो इंक्रीज ही रहा है ना, 20 से 80 हो गया मतलब 60,000 इंक्रीज हो गया, ये तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे क्लियर कट, जो मैं कैश फ्लो में करती हूँ। 20 माइनस 80 इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक मतलब लेस, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अभी 60 को लेस नहीं करेंगे, लेस तो करेंगे बराबर है, करना मुझे लेस ही है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, इंक्रीज ही हो रहा है स्टॉक। लेकिन 60 से इंक्रीज नहीं हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है देखो। अब है ना ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसको लेस करेंगे, ये अग्री करते हो आप 60,000 को लेस करेंगे, ये अग्री करते हो। हाँ ये 60,000 को हम लेस करेंगे, इतना एग्री करते हैं सारे लोग। हाँ yes. हाँ लेस yes, करेंगे yes. मतलब ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट मतलब माइनस हो गया, माइनस 60 आंसर नहीं आया है, ये हम माइनस करेंगे इंक्रीज होने की वजह से, इनवर्स रिलेशन की वजह से। लेकिन 60 को मुझे माइनस नहीं करना है, कितने को माइनस करना है अब बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। अभी अभी तो मैंने बताया स्टॉक खरीदा मैंने आपसे, नए आप सोल ट्रेडर हो समझो, तो मैंने आपसे 50,000 रुपए का स्टॉक खरीदा, मेरा स्टॉक 50,000 से बढ़ गया। पहले मेरे पास स्टॉक था 60,000 का, इंक्रीज इन स्टॉक हुआ 60,000 जो मेरे पास खुद का था, माइनस करना है वो एक अलग बात है। लेकिन पहले मेरे पास स्टॉक 20,000 का था, फिर 80,000 का हो गया, मतलब इन शॉर्ट मेरे पास 60,000 का स्टॉक था ना जो बढ़ गया मेरा खुद का। लेकिन मैंने आपसे भी तो आपका वाला स्टॉक खरीदा 50,000 रुपए का, तो वो जो 50,000 रुपए का स्टॉक मैंने आपसे खरीदा वो मेरे गोडाउन में बढ़ गया, बढ़ गया तो ऐड करेंगे, ध्यान से सुनो हाँ, बहुत टेक्निकल चीज है। ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, क्यों ऐड क्यों कर रही हूँ, एक मिनट ऐड क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ न्यू स्टॉक, ये आपके लिए समझने के लिए लिख रही हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसा ही वर्किंग में बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टिपिकल चीज है ये, ठीक है। अब मैंने नया स्टॉक आपसे खरीदा, अक्वायर किया नया स्टॉक, वेरी गुड, नया स्टॉक खरीदा, तो जब मैंने नया स्टॉक खरीदा तो कॉमन सेंस स्टॉक तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा बढ़ेगा तो ऐड करेंगे, स्टॉक तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 50,000 रुपीज ऐड करेंगे। अच्छा ये, अच्छा ये माइनस 60,000 प्लस 50,000, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है,
माइनस 10,000 यस वेरी गुड बड़े नंबर की साइन 10,000 सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10,000 मतलब अभी हम माइनस 60 देखो करना माइनस ही है पर माइनस 60 नहीं करना है माइनस 10 करना इतना सबको क्लियर है किसी के लिए फिर से रिपीट करूं चलो रिपीट कर ही देती हूँ फटाफट एक मिनट में ओपनिंग बैलेंस आपका 20 क्लोजिंग बैलेंस आपका 80 इंक्रीज इन स्टॉक दिखाई दे रहा है मुझे तो लिख दूंगी मैं इंक्रीज इन स्टॉक क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो हम लेस करेंगे इनवर्स रिलेशन होता है कितना लेस हो जाएगा 60,000 लेकिन सिर्फ 60 लेस नहीं होगा अभी अभी जो स्टॉक खरीदा था वो भी तो ले आएंगे उसको यहाँ पे तो लेस 60 में एड करेंगे वो स्टॉक जो नया नया खरीदा अभी अभी खरीदा तो उसको ऐड कर देंगे 50,000 को तो लेस 60 ऐड 50 आंसर होगा लेस 10 सिंपल क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस करना माइनस या बड़े नंबर की साइन दे दो उसको ठीक है अब ठीक है सबको चलो अब इसका इफेक्ट दिखाएंगे कैश फ्लो में जो मैंने नहीं बनाया लेकिन आपने बनाया है तो अब जाइए आप वर्किंग कैपिटल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेरे साथ साथ करते जाओ जाओ वर्किंग कैपिटल में उधर लिखो इंक्रीज इन स्टॉक जो मैं बोल रही हूँ बस उतना लिखो इंक्रीज इन स्टॉक अब इंक्रीज किया तो रिक्शा परचेज किया तो कैश गई तो लेस करेंगे ये कहाँ का रूल सिखा रहे हो आप मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश गई कैश आई ये वहां का रूल है ऑपरेटिंग के में मैंने कभी सिखाया ही नहीं है आपको ऑपरेटिंग में मैंने कभी नहीं सिखाया आपको कि कैश इनफ्लो है तो प्लस करो कैश आउटफ्लो है तो लेस करो कभी नहीं मैंने ये जो रूल सिखाया था वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में सिखाया था ओके डाउट क्लियर हुआ रिचा ओके चलो हाँ यहाँ पे मुझे क्या रूल देखना मैम मेरे को एक मेरे को एक डाउट हाँ जी बोलो बेटा बोलो बोलो मैम अपन तो करंट असेट में इनवर्स रिलेशन देखते ना तो बढ़ रही है तो अपन लेस करते ना अरे स्टॉक बढ़ रहा है मतलब वो देखो बढ़ रहा है मतलब मेरा खुद का नहीं बढ़ रहा है मेरा खुद का स्टॉक बढ़ रहा है तो मैं लेस ही तो कर रही हूँ ये क्या देखो मैंने कर्सर रखा है ये माइनस 60 आप किसी और का स्टॉक खरीद रहे हो तो आपके गोडाउन में तो ऐड हो जाएगा ना बच्चा मेरा ध्यान से समझो उसको मैं क्या बोल रही हूँ आपके पास जो स्टॉक था रूल के हिसाब से उसको इंक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे लेकिन जो दूसरा स्टॉक बाहर से खरीद के लेके आओ वो गोडाउन में डालोगे तो 50,000 ऐड हो जाएगा ना ओके हाँ वो तो आप दूसरा स्टॉक खरीद के आए ना ठीक है किसी और का स्टॉक खरीद के आओ अपना वाला स्टॉक थोड़ी ना है तो आपने 50,000 को ऐड करना आपकी गोडाउन में ऐड हो गया तो कुल मिलाकर लेस कितना करना है 10,000 60 नहीं मतलब चलो मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाती हूँ ठीक है दूसरे वर्ड्स में देखो आपको लेस तो करना था 60,000 लेकिन 60 में से 50,000 को हटाना है मतलब 60 में से 50 तो मुझे चाहिए ही नहीं तो बाकी 10 का इफेक्ट दिखाना समझा अभी सबको यस सुमन एडजस्ट वर्किंग कैपिटल में जाएगा कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट निकालो उसमें नीचे एडजस्ट वर्किंग कैपिटल निकालो उसमें लिखो लेस इंक्रीज इन स्टॉक इनवर्स रिलेशन होता है यानी कि इंक्रीज होगा तो लेस होगा तो लिखेंगे लेस इंक्रीज इन स्टॉक इनर कॉलम में ब्रैकेट में 10,000 काजल 60,000 नहीं बच्चा 10,000 ये फाइनल अमाउंट है ना ये 10,000 दिखाना है क्यों तुमको समझ नहीं आ रहा मुझे क्लियर नहीं हो रही है फिफ्टी और सिक्सटी का इफेक्ट नहीं आएगा ना मैम फिर बहुत सिंपल चीज है तुम लोग उसको एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर रहे हो देखो अभी
देखो मैं ना क्या समझा रही हूँ आपको, 20 में से 80 गया 60, माइनस 60, माइनस 60 में 50,000 ऐड क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ये स्टॉक खरीदा, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। मतलब देखो 60 और 50 का जो माइनस 60 प्लस 50 किया तो उसका आंसर क्या आया, माइनस 60 प्लस 50 का आंसर क्या आया, ये पूरा माइनस टेन थाउजेंड पूरा देखो आप, ये पूरा इसको पूरे को देखो ना, 20 माइनस 80 क्या किया, माइनस 60, माइनस 60 में ऐड 50 किया तो आंसर क्या आया, बोलो ना तुम, माइनस 10,000। हाँ माइनस 10 का इफेक्ट दिखाना है, 60 का इफेक्ट नहीं दिखाना है, 50 का नहीं दिखाना है, 20 का नहीं, 80 का नहीं, 10 का इफेक्ट दिखाना है। सब सारी चीजें करने के बाद फाइनल आंसर उसका जो आता है वो इफेक्ट दिखाते हैं ना हम, तुमको इतनी समझा मैम। हाँ इतनी इजी चीज क्यों नहीं समझ आ रही है, देखो 20 और 80 का इंक्रीज इन स्टॉक हुआ, इंक्रीज इन स्टॉक कितना था 60, लेस करेंगे, ठीक है, लेस कर देंगे। अभी स्टॉक नया ऐड हुआ खरीदा तो लेस 60 में ऐड 50 करना पड़ेगा और फिर लेस 10 का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, ना कि 60 का ना कि 50 का, उन दोनों को सेटल करके एक साथ इफेक्ट दिखाएंगे ना, तो लेस 10 का इफेक्ट दिखाइए वर्किंग कैपिटल में। तो हमने कैसे लिखा, लेस इंक्रीज इन स्टॉक ब्रैकेट में 10,000, ये सबको समझा, वैसे ही करेंगे हम डेटर्स। बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डेटर्स पहले कितने थे 30, अब हो गए 1 लाख, इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, बट चलो बताओ इंक्रीज, जल्दी जल्दी आंसर्स दो। हाँ वेरी गुड इंक्रीज, वेरी गुड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, ठीक है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस बताइए मुझे डेटर्स का, 30,000, मतलब करेंगे लेस ही, हाँ 30,000 करेंगे हम लेस, साढ़े दस, यस, म्यूट म्यूट वैशाली, चलो फ्लो, ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका बोलो, 30,000 ओपनिंग है, 30,000 कितना है, 1 लाख, मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है, 1 लाख बढ़ता हुआ दिखेगा, तो इंक्रीज इंक्रीज इन डेटर्स हुआ, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, कितना इंक्रीज हो रहा है, 70,000, तो ये माइनस होगा कि ऐड, मतलब ब्रैकेट देना है कि नहीं देना है इसको, देना है, इनवर्स रिलेशन है, सेम इनवर्स रिलेशन है, मतलब इंक्रीज इन डेटर्स मतलब माइनस, माइनस 70 आया, लेकिन अभी अभी मैंने डेटर्स खरीदे थे आपसे 30,000 के, 30,000 के मैंने अभी अभी आपसे डेटर्स खरीदे थे, ये देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, हाँ, तो ये डेटर्स खरीदे मतलब ऐड हो जाएंगे, 30,000 के मैंने डेटर्स खरीदे ना, तो ऐड हो जाएगा, ये देखो किस में ऐड होगा, लेस 70,000 में ऐड करेंगे, लेस 70,000 मैंने जो आंसर निकाला था उसमें ऐड 30,000 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, लेस 40,000, यस, माइनस, माइनस 40,000, वेरी गुड, अब तो समझ गया, अब तो पॉइंट क्लियर है, ठीक है, हाँ, अब इंक्रीज इन डेटर्स हम कहाँ दिखाते हैं, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल, जाओ ऑपरेटिंग में लिखो एडजस्ट वर्किंग कैपिटल में लेस इंक्रीज इन डेटर्स, लेस क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, लिखो लेस इंक्रीज इन डेटर्स 40,000 ब्रैकेट में लिखिए, 40,000 को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, इतना सबको समझ गया, मतलब ये फर्स्ट एडजस्टमेंट थी ना, ये देखो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसका जो इफेक्ट दिखाना था वो हो गया, ठीक है, अब गुडविल का तो इफेक्ट दिखाना नहीं है, मशीनरी, अब मेरे ख्याल से ना मशीनरी का एक दूसरा भी लेजर दिया हुआ है,
चलो एक काम कर लेते हैं, शेयर कैपिटल पे आ जाते हैं पहले, सम के सीक्वेंस में चलते हैं। चलो वैसे भी 10 मिनट आधे में आज सम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग को एक सिंपल पॉइंट पे मैंने बहुत, हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया है। चलो कोई बात नहीं, शेयर कैपिटल को देखो सीक्वेंस में जाते हैं, जो जो पॉइंट नहीं हुई है वो कवर कर लेंगे। शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, फटाक से आंसर दो। 1 लाख। बाद में कितनी हो गई, अब कितनी हो गई? 4 लाख। 4 लाख हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। मतलब इशू है कि रिडेम्पशन है? इशू। कितना इशू हो रहा है? इशू है। 3 लाख। 3 लाख। वेरी गुड, वेरी। 30 लाख नहीं रे, 3 लाख। शिवानी बोला मैम, रिटर्न करेक्ट किया मैंने। 3 लाख ठीक है। चलो अब 1 लाख से 4 लाख हो गया, 3 लाख। यहाँ पे देखो अभी आपके लिए लिख रही हूँ, लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं, पर लिखना पड़ रहा है क्योंकि तुमको समझ नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो हमारे पास इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना होते दिखाई दे रहा है, कितना होते दिखाई दे रहा है? 3 लाख। मैं 3 लाख का इफेक्ट नहीं दिखा सकती। वैसे इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग? फाइनेंसिंग। हाँ जाएगा, अभी भी फाइनेंसिंग में जाएगा। हम लिखेंगे एड इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि कैश इनफ्लो है, पैसा आया तो प्लस करेंगे, एड करेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। जब 3 लाख नहीं करेंगे तो कितना करेंगे? 1 लाख करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 लाख में से 2 लाख का तो इफेक्ट दिखाना ही नहीं है ना। ये देखो 2 लाख का तो इफेक्ट दिखाना ही नहीं है। क्यों? 2 लाख का इफेक्ट क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि वो नॉन करंट था, क्योंकि वो उसमें कैश की लेन देन कुछ हुई नहीं, मुझे कैश आई नहीं ना। वैसे एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल इश्यू होती है ना तब कैश आती है, कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो होता है तभी मैं ऐड करती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो 2 लाख की जो मैंने शेयर्स बेची हैं, इशू की हैं, उसके बदले तो मैंने कुछ चीजें खरीदी हैं। ये देखो गुडविल, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये मैंने चीजें खरीदी, कैश तो नहीं खरीदी है, कैश इनफ्लो हुआ ही नहीं है। तो कैश इनफ्लो नहीं हुआ है तो यहाँ से लेस कर देंगे। ये मैं एक्चुअली मुझे लिखना नहीं चाहिए, पर आप वर्किंग नोट बना देना आपके समझने के लिए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 3 लाख है, जिसमें से लेस करेंगे नॉन करंट इफेक्ट। नॉन करंट इफेक्ट हटा देंगे। चलो मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, लेस एनसी। लेस भी नहीं दे सकती, लेस वर्ड्स। करंट का मतलब ये होता है जिसमें कैश की कोई लेन देन नहीं है, मतलब कैश नहीं आई है। जब भी कैश आई ही नहीं है, इनफ्लो हुआ ही नहीं है, तो मैं उसका इफेक्ट कैसे दिखा सकती हूँ? नहीं दिखा सकती हूँ, तो उसको हटा दो, मतलब इसका इफेक्ट नहीं दिखा सकती। तो किसका अल्टीमेटली, अल्टीमेटम किसका इफेक्ट आएगा? नेट इश्यू कितना दिख रहा है आपको, जिसका इफेक्ट? यस, तो नेट इश्यू जिसका इफेक्ट दिखाना है वो है 1 लाख। बस 3 लाख में से मुझे 2 लाख का इफेक्ट नहीं दिखाना है, तो कितना दिखाना है? 1 लाख। तो जाओ फाइनेंसिंग में, सारे फाइनेंसिंग में जाओ। कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो होता है इशू के टाइम पे? इनफ्लो। इनफ्लो है मतलब ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड। लिखो ऐड इशू, ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख। ऐड करना मतलब ब्रैकेट की जरूरत नहीं। अब है ना, आप देखो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 ये बनाया, वर्किंग नोट नंबर 2 डेटर्स का बनाया, इसको वर्किंग नोट नंबर 3 का नाम दे दो, और है ना बाजू में ब्रैकेट में लिख दो, आपने लिखा है ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3, और ये वर्किंग नोट बना देना ऐसा सेम, इट इज वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, ये 3rd नंबर पे मैंने बनाया, ये मैंने फर्स्ट बनाया है।
आपका सेकेंड हो जाएगा। ये वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री तो ये तो आपको मतलब मैंने सिखाने के लिए किया है, ये पेपर में भी लिखनी है पर आपके समझने के लिए, मतलब आप वर्किंग नोट में नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, साइट में कहीं पे बना लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया शेयर कैपिटल हो गया। अब आते हैं डिबेंचर्स पे। आपके पास डिबेंचर्स पहले कितने थे? नहीं थे पहले, बिल्कुल नहीं थे डिबेंचर्स। अब आपके पास 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, लेकिन है ना डिबेंचर्स पे एक एडजस्टमेंट थी। क्या एडजस्टमेंट थी देखते हैं। डिबेंचर्स वर इशूड, थर्ड एडजस्टमेंट स्क्रीन पे दिख रहा है, डिबेंचर्स वर इशूड एट द प्रीमियम ऑफ 5% व्हिच इज इंक्लूडेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, डिबेंचर्स को 5% के प्रीमियम पे इशू करना है, 5%। तो डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं आपने? पहले डिबेंचर्स कितने थे? 2 लाख। पहले डिबेंचर्स कितने थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब कितने हो गए? 2 लाख। मतलब कितने इशू किए? 0 - 2 लाख कितने इशू किए? 2 लाख। वेरी गुड। तो 2 लाख का 5 इतना इशू किया, 2 लाख इशू किया तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 50,000। हाँ, 10,000। 2 लाख 50,000 नहीं, 10,000। मैंने चैट बॉक्स में देखकर आंसर किया। शिवानी 10,000 को 1 लाख लिखा है, तू है ना आंसर्स गलत दे रही है, ध्यान से दे बेटा। चलो 2 लाख का 5% होता है 10,000। म्यूट 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 आंसर देकर म्यूट कर दो। देखो 2 लाख का 5% होता है 10,000। अब जब भी मैं एडजस्टमेंट की बात करूं, देखो एडजस्टमेंट, वो बोलता है मैंने डिबेंचर इशू तो किए हैं, बराबर है इशू किए हैं, लेकिन प्रीमियम पे इशू किए हैं। मतलब मैंने प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा। 2 लाख का अमाउंट मैंने इशू नहीं किया है जबकि मुझे आपसे लेना चाहिए था 2 लाख, पर मैंने आपसे लिया 2,10,000 क्योंकि प्रीमियम का मतलब होता है एड, बड़ा अमाउंट जब भी बढ़ता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। डिस्काउंट मतलब जब भी कम होता है, और पार मतलब सेम, 2 लाख का 2 लाख। तो अब मैं डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही हूँ, मतलब मैं 2 लाख के डिबेंचर्स आपको दूंगी, लेकिन आप मुझे कैश कितनी दोगे? 2,10,000। 2,10,000। वेरी गुड। आप मुझे डिबेंचर के बदले, 2 लाख के डिबेंचर के बदले आप मुझे कैश कितनी दोगे? 2,10,000 रुपए, ठीक है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स कौन सा एक्टिविटी होता है? फाइनेंसिंग। जाओ फाइनेंसिंग में। अच्छा कैश आ रही है कि जा रही है इशू के टाइम पे? आ रही है। आ रही है तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड। लिखो लिखो ऐड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो ऐड, इशू ऑफ डिबेंचर्स, एड इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ प्रीमियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एड इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ प्रीमियम। अभी विथ प्रीमियम के बाद उधर ही वहीं पे ही खड़े रहो और ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ। 2 लाख इंटू 5% इज इक्वल्स टू 10,000। 2 लाख इंटू 5% इज इक्वल्स टू 10,000। मतलब प्रीमियम 10,000 में आपसे ले रही हूँ और 2 लाख तो, 2 लाख तो वैसे भी ले रही हूँ ना, 2 लाख के तो डिबेंचर्स हैं ही ना, 2 लाख तो लूंगी ही लूंगी, प्लस 10,000 आप मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रीमियम के। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है तो प्रीमियम पे भी बेचूंगी ना तो भी लोग खरीदेंगे मेरे डिबेंचर्स, ठीक है। चलो तो टोटल कितना इशू, टोटल कितना हो जाएगा? 2,10,000। तो इनर कॉलम में लिखेंगे 2,10,000 ना कि 2 लाख। 2 लाख तो लेंगे ही लेंगे, 10,000 के साथ लेंगे, तो 2,10,000 लिखेंगे हम लोग इनर कॉलम में। ऐड करना मतलब ब्रैकेट की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ अब ध्यान से सुनो, इसी प्रीमियम का एडजस्टमेंट में उसने क्या दिया है, विच इज इंक्लूडेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब ये नेट, ये प्रीमियम जो 10,000 का था ना, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से लेस करेंगे। वेरी गुड शिवानी, क्योंकि इंक्लूड हो गया था। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कचरा तो मुझे चाहिए नहीं होता है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ वो चीजें चाहिए जो ऑपरेटिंग हो। लेकिन प्रीमियम, देखो प्रीमियम मैंने कमाया
आपसे मैंने एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमाए हैं ना, डिबेंचर होल्डर जो आप मेरे, आपसे मैंने प्रीमियम के नाम पे एक्स्ट्रा 10,000 कमाए। जो एक्स्ट्रा कमाए क्या वो मेरा बिजनेस था, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी? डिबेंचर्स खरीदना बेचना मेरी मेरा बिजनेस है? नहीं, मेरा बिजनेस कुछ और है। मैंने मेरा बिजनेस कुछ और है, लेकिन मैंने डिबेंचर्स इशू करते करते प्रॉफिट कमाया। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया था ओरिजिनली, प्रॉफिट मतलब इनकम, प्रॉफिट मतलब इनकम, जो मैंने इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दी थी, ऐड कर दी थी, पर वो तो मेरी बिजनेस की है ही नहीं, वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्कार्ड करने के लिए क्या करेंगे? लेस, लेस कर देंगे। वेरी गुड, लेस कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 4 पे लिख दो, ये देखो प्रीमियम डिबेंचर्स इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। ये कैसे आया वो आप ब्रैकेट बना लेना, 2 लाख का 5%, ठीक है? इसको पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे फाइनेंसिंग में विथ डिबेंचर्स, विथ ये लॉजिक तो सबको समझ गया, ठीक है? ऐड करेंगे फाइनेंसिंग में विथ इशू ऑफ डिबेंचर्स, अलग से ऐड नहीं करना है, 2 लाख के साथ ही ऐड करना, ठीक है? लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, पहली बात तो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हम लेस कहां से करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस क्यों करेंगे, क्योंकि ये मेरा एनओआई है, एनओआई मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट मतलब इनकम ही तो होता है, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है? सबको समझा, लेस किया, जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उसमें नीचे नॉन ऑपरेटिंग में लिखो लेस प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स 10,000 ब्रैकेट में। 2 मिनट के लिए मीटिंग फिर से ज्वाइन करना है, 2 मिनट के लिए मीटिंग ज्वाइन करनी है। हाँ,